नमस्कार। सिंपली सियासत में आज बात करेंगे बॉलीवुड में नेपोटिज्म की। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर चर्चा बहुत जोरदार तरीके से हो रही है और ये चर्चा अभी बंद नहीं हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये चर्चा शुरू हुई थी और इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर और मुख्य धारा की मीडिया पर चर्चा हो रही है। कुछ लोग निशाने पर हैं, सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, ऐसे बहुत सारे नाम चर्चा में हैं और इन पर निशाना साधा जा रहा है। कई लोग इनके पक्ष में, इनके समर्थन में खड़े हैं। कंगना रनौत ने इस पूरे मामले को एक अलग रंग दे दिया। उन्होंने बहुत ही तीखा हमला किया और देखा जाए तो उस पूरे विवाद में कंगना रनौत ने जितनी तेजी से जितने तीखे हमले किए उतने तीखे हमले किसी ने नहीं किए। और कंगना रनौत के पक्ष में भी कुछ लोग आए हैं और कंगना रनौत के खिलाफ में भी कुछ लोग आए हैं, लेकिन ये बातचीत का और ये विवाद लगातार चलता आ रहा है और इस पर लेकर बहस अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए इस विषय पर चर्चा करना जरूरी है। मैं इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करूंगा और इसके समाधान की दिशा क्या हो सकती है उस पर भी बात करूंगा। अब सवाल उठता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म के लिए निशाने पर सबसे आगे करण जौहर, सलमान खान, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली और भूषण कुमार हैं। क्या ये नेपोटिज्म बॉलीवुड में इसको बढ़ा रहे हैं? क्या इन्होंने कोई ऐसा कॉकस तैयार कर लिया है जिसकी वजह से बॉलीवुड में आने वाले नए सितारों को, नए कलाकारों को, नए टेक्नीशियनों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा? यह एक सवाल है और इसीलिए शायद इस नेपोटिज्म को लेकर चर्चा बहुत गंभीर हो रही है और यह एक समस्या है जो बॉलीवुड जो इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है उसके पाँव में कहीं एक भेड़िया जकड़ रही है क्या? इसको लेकर ये चर्चा, ये चिंता ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम पुराने दौर में लौटते हैं जब नेपोटिज्म इतना चर्चा में नहीं था। राज कपूर का दौर याद करिए आप। राज कपूर ने अपने परिवार के लगभग सभी सदस्यों को बॉलीवुड में एंट्री के लिए राह आसान की। उनके परिवार के कई लोग बेहद कामयाब हुए, कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाए। जैसे रणधीर कपूर अपने ज़माने में उनको भी बॉलीवुड में लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इतने लोकप्रिय नहीं हो पाए, इतने कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन यह सिलसिला आज भी जारी है। अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र, अनिल कपूर, तमाम अभिनेताओं ने अपने बेटे बेटियों को बॉलीवुड इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनके लिए जगह बनाई, उनके लिए उनको लॉन्च कराया। लेकिन कामयाब वही हो पाए जिनमें दम था, जिनमें प्रतिभा थी, जिनमें क्षमता थी। अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र और ये जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, आप इनको देखिए कि इनके बेटे बेटियों ने उस तरह की कामयाबी हासिल नहीं की जिस तरह का इनको सपोर्ट मिला। एक और बात यहाँ कहना ज़रूरी है कि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जुबली कुमार जो अपने ज़माने में सबसे लोकप्रिय अभिनेता हुआ करते थे, राजेंद्र कुमार, उनके बेटे कुमार गौरव को लॉन्च किया गया, उनकी पहली फिल्म कामयाब भी हुई, लेकिन वो लंबे समय तक इंडस्ट्री में चल नहीं पाए। तो ऐसी कहानियाँ भी बहुत हैं इंडस्ट्री में जिनको लॉन्च किया गया, पहले कामयाबी मिली और बाद में नहीं मिली। ऐसी कहानी भी है जिनको शुरुआत में कामयाबी नहीं मिली लेकिन बाद में वो कामयाब माने गए। जैसे उदाहरण के तौर पर रणवीर कपूर की पहली फिल्म सांवरिया, संजय लीला भंसाली शायद इसीलिए निशाने पर रहते हैं क्योंकि उनकी ही फिल्म में रणबीर कपूर और सोनम कपूर को एक साथ लॉन्च किया गया था। ये दोनों स्टार पुत्र थे और दोनों को लॉन्च किया गया, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाब नहीं मानी जाती है। लेकिन बाद में ये दोनों अभिनेता और अभिनेत्री रणबीर कपूर और सोनम अपने अपने हिसाब से इंडस्ट्री में लोकप्रिय और कामयाब माने गए। तो ये पूरी कहानी आके घूम के वही उसी बात पर अटकती है कि जब दर्शकों के हाथ में चाबी है कामयाबी और नाकामयाबी का, तब ये तोहमत इंडस्ट्री के लोगों पर क्यों लगाया जाता है? अब सवाल उठता है कि क्या नए लोगों के साथ किसी तरह की रैगिंग हो रही है, नए लोगों के साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है? इंडस्ट्री में नए लोग लगातार आ रहे हैं, इंडस्ट्री बड़ी भी हो रही है, इंडस्ट्री में वेब सीरीज बन रहे हैं, टेलीविज़न के सीरियल पहले ही बनते रहे हैं, तो जाहिर है इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री बड़ी हो रही है और संभावनाएँ बड़ी हो रही हैं, ज़रूरतें ज़्यादा बड़ी हो रही हैं। इसीलिए देश भर के कलाकार और दुनिया भर के कलाकारों को बॉलीवुड इंडस्ट्री अपने में समाहित किए हुए, अपने में समायोजित किए हुए हैं। ऐसे में क्या इंडस्ट्री कुछ खास लोगों के इशारे पर काम कर रही है? ये सवाल सबसे गंभीर सवाल है। अब देखना है कि क्या इंडस्ट्री में ये कॉकस
नए आने वाले लोगों को बढ़ने नहीं दे रहा है, और क्या वो किस तरह की समस्याएं पैदा कर रहे हैं। तो जो जानकारी आ रही है कि फिल्म लॉन्च करने से लेकर फिल्मों में भूमिका से लेकर फिल्म के रिलीज होने तक में इनकी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि इंडस्ट्री के बड़े बड़े संगठनों पे बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक इनके लोग हैं, और ये लोग हैं इसीलिए इंडस्ट्री के बारे में बड़े फैसले ये कर रहे हैं। ये जो सवाल आया है इस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री में ये भेदभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। कंगना रनौत ने जो सवाल उठाए हैं उसमें कहीं ना कहीं इसकी सच्चाई थोड़ी छुपी है, और कंगना रनौत के साथ जो लोग आए हैं उनके सामने उनके पक्ष में जो दलीलें दे रहे हैं जो तर्क दे रहे हैं उससे भी पता चलता है कि इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं बाहर वालों के साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है। तो ये तो साफ है कि बाहर वालों के साथ भेदभाव हो रहा है और इंडस्ट्री में कुछ खास लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं एक और दौर की बात बताता हूँ कि इंडस्ट्री में कभी अंडरवर्ल्ड का कब्जा हुआ करता था। अंडरवर्ल्ड के कहने पर लोगों को रोल मिलते थे, अंडरवर्ल्ड के कहने पर फिल्मों की रिलीज की तारीख तय होती थी, और अंडरवर्ल्ड की बड़ी भूमिका बॉलीवुड में बन गई थी। लेकिन अब वो अंडरवर्ल्ड गायब है, अब वहाँ पे अंडरवर्ल्ड की जगह ये इनर वर्ल्ड ने ले ली है, कुछ खास कंपनियों ने ले ली है, कुछ खास लोगों ने ले ली है। तो सवाल उठता है कि इनका होल्ड किस तरह से इंडस्ट्री पर चल रहा है, और क्या ये इंडस्ट्री को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, क्या ये नई प्रतिभाओं को आगे आने से रोक रहे हैं। एक तरफ इनका नेपोटिज्म, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पिछले दशक से कि कई नए चेहरे बड़े कामयाब हुए, और कई दशकों में हमने बड़े अभिनेता बाहर की दुनिया से दिए हैं। आज भी बाहर से आने वाले लड़के, यानी कि जो बॉलीवुड के परिवार से नहीं हैं, बॉलीवुड के परिवार के बाहर के लड़के हैं और लड़कियां हैं, वो कामयाब हो रही हैं, वो चर्चित हो रही हैं, वो लोकप्रिय हो रही हैं, और ऐसे कई नाम गिनाए जा सकते हैं। कार्तिक आर्यन आज की तारीख में है, आयुष्मान खुराना है, मनोज वाजपेयी एक ज़माने में बहुत आगे बढ़ के आए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे नामों में शुमार किए जा सकते हैं जो लंबे संघर्ष के बाद बिल्कुल सोने की तरह डायमंड की तरह निखर कर सामने आए। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो साधारण परिवारों से थे और उन्होंने संघर्ष और अपनी प्रतिभा की बदौलत बॉलीवुड में अपनी एक छवि बनाई, एक चेहरा बनाया। तापसी पन्नू हैं, तो ये जो नए चेहरे हैं ऐसे चेहरे इन्हीं परिस्थितियों में आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये इनर वर्ल्ड को क्या काबू करने की ज़रूरत है, अंडरवर्ल्ड के जाने के बाद इनर वर्ल्ड जो हावी हो गया है क्या उसको काबू करने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से जो समस्या ये आई है ख़ास तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद, क्योंकि तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चला उसमें ऐसी कोई बात अभी तक पक्के तौर पर सामने नहीं आई कि इसमें किसी की भूमिका थी, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं, जो आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, उससे एक साफ तौर पर नज़र आता है कि बॉलीवुड में इंडस्ट्री में सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज़ नॉट वेल। तो इसलिए आज इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और ये इंटरवेंशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस इंडस्ट्री को ग्रो करना है और इसकी संभावनाएं अब पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई हैं। इंडस्ट्री में बाहर से पैसा आ रहा है, वेब सीरीज का सिलसिला शुरू हो जाने के बाद इन कंपनियों के पास पैसों की कमी नहीं है, बहुत पैसे आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, और उन प्रोजेक्ट्स में इस इंडस्ट्री के परिवार के लोग और बाहर के लोग काम कर रहे हैं, और सबके लिए आगे का भविष्य नज़र आ रहा है इसमें, इसलिए इसको ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। आज इस इंडस्ट्री में ऐसे तंत्र की ज़रूरत है, ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो ऐसे अनैतिक कार्यों को रोके, क्योंकि ये इंडस्ट्री बड़ी हो गई है। आज सिर्फ एक सेंसर बोर्ड से काम नहीं चलने वाला है जो फिल्मों का सर्टिफिकेशन के लिए बनाया गया है। आज जो संस्थाएं हैं वो इन बड़े लोगों के कब्जे में आ गई हैं, इन बड़े लोगों की गिरवी बन गई हैं। तो आज इस इंडस्ट्री में ऐसे तंत्र की ज़रूरत है जो इंडस्ट्री में इन प्लेस सिस्टम को इन प्लेस रखे और बाहर से आने वाले लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की स्थिति पैदा करे, यानी कि बराबर का अवसर, समान अवसर पैदा करे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडस्ट्री, मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो रही है, और इंडस्ट्री पर एकाधिकार किसी तरह से अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, इंडस्ट्री के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, और देश के नौजवानों के लिए, देश की प्रतिभाओं के लिए अच्छा नहीं है। कि इंडस्ट्री को एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है, इस तंत्र को समझने की ज़रूरत है, और इस पूरे इंडस्ट्री को, इस पूरे उद्योग को अधिक अधिक कारगर बनाने के लिए, अधिक अधिक कामयाब बनाने के लिए, अधिक से अधिक उपयोगी और सार्थक बनाने के लिए ज़रूरी है
कि एक नए सिस्टम की ओर बढ़ा जाए और एक नया सिस्टम को लागू किया जाए। और आखिर में आपसे एक गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ आपको इसकी सूचना मिल जाए। इस बुलेटिन में, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।